हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 वाली दिवाली आप सबको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और जैसा कि ग्रहण है तो हमने कुछ कुछ सोचा है ग्रहण के लिए, कि ग्रहण के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मम्मी ने आइडिया दिया था कि हम बचपन में क्या करते थे, एक घमेला लेते थे, घमेला। मैं दिखा दूंगी आपको घमेला कैसा होता है। वो हम लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसको छत पे या तो फिर ऐसे आंगन में रख दो जहाँ पे सूर्य की किरणें आती हो। तो हमने सोचा है कि सूर्य की किरणें जहाँ आती हो वहाँ पे रख देंगे और फिर सूर्य को जो ग्रहण लगा हुआ रहेगा वो हम पानी में देखेंगे। ऐसा कुछ ट्राई करने वाली हूँ मैं, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। माई गॉड, देख रहे हो मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमने गाड़ी ओवर ब्रिज के नीचे छोड़ी है क्योंकि अंदर लाना पॉसिबल ही नहीं था। मैं नहीं चला सकती भैया इतने भीड़ में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, गजब। तो अभी आज मैं दिया जला रही हूँ, कल मम्मा ने जला लिया था अकेले अकेले, तो आज मैं जलाने वाली हूँ क्योंकि मैं घर पे हूँ। ये तेल है जो इन दियों में डालना है और ये बत्ती है जिसे हम डालेंगे, और तेल अब डालना बचा हुआ है और इसमें भी वाट डालना बचा हुआ है, मतलब बत्ती ही वाट, मतलब बत्ती वो डालना बचा हुआ है। फिर हम इसके लगाएंगे आंगन में। और मैंने मम्मी को बोला है कि घर में जितने भी दिए हैं वो सब लेकर आओ और आज पूरा जगमगा देना है घर को। हम अपने घर में लाइट्स नहीं लगाते हैं कभी भी, क्योंकि एक तो घर में मंदिर है तो हम लाइट्स कहाँ की होती है, चाइना की या फॉरेन की। इंडिया की लाइट्स, मेड इन इंडिया की लाइट्स शायद ही, मुझे नहीं पता है, आती भी होगी तो हम लाइट्स लगाते ही नहीं हैं। तो हमने मम्मी को बोला कि आज हम दियों से अपने घरों को सजाते हैं, कि आज के दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे। तो हम जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तब पूरे अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, तो हम भी दिए जलाते हैं ना भाई, क्यों लाइट्स लगाना। उस टाइम पे लाइट्स थी नहीं ना, तो आज भी हम लाइट्स नहीं जलाएंगे, चलेगा, उतना फोकट खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट मेरे रूम में लाइट्स लगी हुई है, आपने उस दिन देखा था, तो मैं सिर्फ उसको अपने डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ। बट घर की सज्जा के लिए हमारे पास जब दिए हैं तो यूज़ करते हैं ना दिए, और दिए जब जलते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं पूरा रख दूँगी, उसके बाद शूट करके दिखाऊँगी, बाकी काम करते हैं। अभी भगवान के सामने दीप प्रज्वलित हो चुका है, दीप दान किया गया है भगवान के आगे, मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। हरे परमात्मने प्रणतसाय गोविंदाय नमो नमः, त्वमे ममाता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये है मेरे घर की जगमगाती हुई सी दिवाली। अभी बाहर का भी सीन दिखाते हैं आपको हम, अभी देखिए ये है पूरे, मैंने ऐसे वॉल पे ना लगा दिए हैं दिए सी, बहुत ही मुझे मजा आ रहा है। वहाँ पे भी बहुत सारे दिए रख दिए मैंने, इधर भी पूरे लाइन से दिए 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 रख दिए हैं ये। तो आपको हमारा दीपोत्सव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जगमगाती सी हवेली। जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्णा। पट बंद हो चुके हैं, भगवान के शयन का टाइम हो चुका है, और ये मेरी रंगोली है, बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी हम फटाके फोड़ेंगे, ये है हमारे फटाके, थोड़े से नहीं अभी धीरे धीरे और आएंगे, मम्मी को बोला है मैंने निकालने के लिए। हम ये है हमारा फटाका, ये पिछले साल के फटाके हैं। क्या है ना, हम लोग ज़्यादा नहीं जलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा जलाते हैं, फिर रख देते हैं ताकि अगले साल का आएगा। हमने आज तक कभी फटाके नहीं खरीदे हैं। जो भगवान के दरबार में आता है, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, वही हम भी यूज़ करते हैं। तो जो बाल गोपाल यूज़ करते हैं वही दीपिका दवे और उसकी फैमिली भी यूज़ करती है। और देखो ये मम्मी लेकर आएंगी और फटाके। मम्मी आप भी जलाओगे फटाके? ठीक है, तो मम्मी डर लगता है मम्मी को पटाखों से, मम्मी सुरसुरिया करेगी, सुरसुरिया तारा मंडल जिसे कहते हैं, तो मम्मी तारा मंडल जलाएगी। तो चलो लेट्स
क्रैकेट। तो ये हमारे आज के पटाखे हैं जिसे हम जलाने वाले हैं, तो ये भी आज के पटाखे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेले इतना सारा तो नहीं जला सकती, इसलिए मैं ये वाले पटाखे परसों जला लूँगी या कल में ख़त्म करेंगे। और वो जो है ना वो भी बचा हुआ है, लेकिन उसको मैंने स्टॉक करके रख दिया है लास्ट ईयर, सॉरी उसको मैंने स्टोर करके रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ काम आ जाते हैं, अच्छे खासे जल जाते हैं, और क्या इन्जॉयमेंट होना चाहिए। यस तो चलो, तो यहाँ पर अब हम अगरबत्ती नहीं, सो क्या बोलते, तारामंडल, सुसुरी, मम्मी की क्या सुसुरी, क्या सुसुरिया, मम्मी का सुसुरिया। मम्मी यहाँ पर मस्त बैठे बैठे ना, ये बाजू में दिया रखा है और बैठे बैठे जला रही है तारामंडल। ये हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये जल चुका है मम्मी, ये बचा है आधा देखो यहाँ से। और पता है मम्मी ना ये सारे तारामंडल को ना जला जला के साइड में रख रही है, क्योंकि इसका जो तांबा है ना वो कबाड़ी में देने काम आता है, उस तो उससे भी पैसे कमाएंगे। गजब, क्या जली है। सो सूर्य ग्रहण अभी स्टार्ट हो चुका है और हमने यहाँ पर रख दी है परात भर के पानी। अब देखते हैं क्या होता है कुछ देर बाद। तो हमने अभी पोजीशन कुछ चेंज की है अपने परात की, कि वहाँ पर जब सनलाइट दिखेगी, देखो सन दिख रहा है वो, देखो 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 गोल गोल राउंड राउंड दिख रहा है सन, है ना मम्मी, देखो देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो वो जो सन दिख रहा है वो धीरे से ब्लैक होगा ना, फिर आपको दिखेगा ग्रहण। तो यहाँ पर मम्मी ने फिर से परात को चेंज किया है और देखने की तैयारी में है कि ग्रहण कैसे दिखेगा। और अभी सन एकदम ना ब्लड रेड में दिख रहा है, अब वीडियो में कितना कैप्चर होके कितना दिख पा रहा है वो मैं नहीं जानती। मैं कैसे लाइट्स देखो, अब तो दिखे, देखो जो सन है ना दिख रहा है, पानी हिल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन जो परात रखा हुआ है ना, जो बर्तन रखा हुआ है, आप उस पर गौर करिए, उस पर जो सनलाइट हो रही है वो उस पर गौर करिए, वो सनलाइट आपको दिख रही होगी कुछ ऐसे। करोगे पत्ती के पास रखूँ क्या? हाँ रखो, है ना, कोशिश करके देखो। मम्मी कोशिश कर रही है परात को चेंज करने की, क्योंकि अभी धीरे धीरे ग्रहण लग रहा है अभी रेड हुआ है, क्योंकि हम बहुत देर से अभी छत पे बैठे। मैं बोली जैसे ही फुटेज अच्छी आने लगेगी तब मैं लूँगी, यहाँ से अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन धीरे से दिखेगा मेरे को लगता है। ये देखो ये जो मम्मी, ये जो येलो चमक रहे ना बर्तन के ऊपर सन टाइप राउंड राउंड शेप में, वही है सूर्य ग्रहण। और धीरे से वो ब्लैक भी होगा, खैर वो अभी फुटेज में येलो दिख रहा है बट मुझे वो रियल में देखने पर रेड दिख रहा है, वो भी ब्लड रेड टाइप। अब यहाँ पर तो हमारे सूर्य महाराज ही डूबने जा रहे हैं, लेकिन हमें ब्लैक होता हुआ नहीं दिख पाया अभी तक। तो इंडिया में सूर्य ग्रहण था या नहीं था, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने परात भी रखी, उसमें देखा भी, रेड रेड भी दिखा लेकिन ब्लैक मुझे तो नहीं दिख पाया। और अब सूर्य भगवान जो है वो अब डूबने के मतलब अस्त हो रहे हैं। जी हाँ मम्मी आप राइट हैं, अब सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं और मम्मी और मैं थक हार के अब जा रहे हैं नीचे, अब टीवी में देखेंगे सूर्य ग्रहण, है ना मम्मी, अब टीवी में देखते हैं कैसा होगा। हाँ बस उतना दिखा, लाल हो गया वो। अब जय हो सूर्य भगवान की। और सूर्य ग्रहण पे किसका जाप करना चाहिए मम्मी? गायत्री मंत्र का। जी हाँ, तो आप सबको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र जिन्हें नहीं पता है वो मैं एक बार बता देती हूँ। ओम भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप सूर्य ग्रहण वाले दिन करना चाहिए आप लोगों को। जी हाँ, तो हमने टीवी में पढ़ा है, सॉरी टीवी में देखा है और किताबों में पढ़ा है, और हमारे गुरुजनों और शिक्षकों ने हमें बताया है कि सूर्य भगवान सुबह के 6 बजे उगते हैं और शाम के 6 बजे अस्त होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो सूर्य महाराज हैं वो शाम के 5 बजे ही
अस्त हो चुके हैं हमारी सिटी में। अदर सिटी में अगर दिख रहा हो तो हम अभी जाते हैं नीचे और टीवी में देखते हैं सूर्य ग्रहण कैसा दिख रहा है। मैं फुटेज आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे यहाँ पे सूर्य अस्त पहले ही हो गया 5:10 में। जी हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। ये देखो 5:10 हो गई है ना, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, 17:11 हो रही है, मतलब 5:10। अभी मैं 5:10 बोल रही थी लेकिन 5:11 हो गई, सिर्फ 1 मिनट आगे हो गया और सूर्यास्त हो चुका है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, मम्मी ने परात लेके नीचे जा चुकी है मम्मी, तो हम भी जा रहे हैं हम नीचे। सूर्य ग्रहण तो हम देख नहीं पाए लाइव, लेकिन अब लाइव देखेंगे नीचे। तो मैंने आप लोगों को सूर्य ग्रहण की जो बातें बताई है वो प्लीज़ याद रखिए, और नेक्स्ट सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में आप सभी मंत्रों का उच्चारण करें, मंत्र जाप करें, माला लेकर बैठ जाएं कुछ देर के लिए, जितने आपकी क्षमता है आप उतनी देर बैठिए, क्योंकि उस टाइम पे भगवान भी कष्ट में होते हैं, चंद्र भगवान और सूर्य भगवान दोनों कष्ट में होते हैं, इसलिए हमें उनको मुक्ति दिलाने के लिए मंत्रों का जाप करना रहता है, जिससे उन्हें भी रिलैक्स मिलता है। और छूटने के बाद जिन जिन लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, प्रे की, और क्योंकि वो तो भगवान है, वो सब कुछ पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट हर चीज़ नोटिस कर लेते हैं। तो जो बातें हम इंसानों से आप छुपाते हैं, इंसान नहीं समझ पाते हैं, मतलब आप झूठ बोलते हैं तो वो सारा झूठ सिर्फ ऊपर जाके पकड़ा जाता है, भगवान सब देखते हैं, भगवान को सब पता चलता है कि किसने प्रे किया है किसने प्रे नहीं किया है, और फिर भगवान उसके अकॉर्डिंग उन्हें उनका फल मिलता है। यस, ये बातें हमें बचपन से आज तक पढ़ाई जा रही है, इसलिए मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ बता रही हूँ, और ये फैक्ट भी है यार। ग्रहण वाले दिन ना एटलीस्ट जो नास्तिक है ना वो भी कर लीजिए, ज़्यादा रिलैक्स मिलता है भगवान को भी, और मैंने तो किया, लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और पता है, एक अगर खुद के लिए भी करना चाहिए, ठीक है तुम भगवान को नहीं मानते हो, इट्स योर चॉइस, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो, बट एक पॉजिटिव एनर्जी जो रहती है ना हमारे मन में, अगर हम कभी बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, ध्यान करो, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, हम ग्रो करते हैं, हमारा मन शांत होता है, दिल दिमाग मस्तिष्क सब सब वर्क अच्छे से करता है प्रॉपरली, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेयर। प्रेयर करना चाहिए और आँख बंद करके शांति से बैठना चाहिए कुछ देर, तो मन भी पवित्र, सब पवित्र। तो अभी मैं झकड़ी बकड़ी टाइप से दिख रही हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे देख के आप लोगों हंसे ना कि कैसी दिख रही है, कमेंट ना करें। पिंपल विम्पल भी हो गए हैं बहुत सारे, कुछ 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 अब बाहर का खा खा के, और अभी हमारी मम्मी हमें नीचे बुला रही है तो हमें जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि कुछ कुछ काम भी होते हैं जो काम हमें करने पड़ेंगे। और हाँ, मुझे टीवी पे लाइव देखना है सूर्य ग्रहण, अगर मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी तो मैं कब देखूँगी सूर्य ग्रहण, लेट्स गो। टिंग 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 टिंग, चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, गो 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 गो, फर्स्ट 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 फर्स्ट। तो यहाँ पर अभी ग्रहण खत्म हो चुका है, तो हम सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और हमने दीप भी प्रज्वलित कर लिए हैं, देख सकते हो आप पीछे लाइटिंग्स वगैरह कितनी सुंदर लग रही है, मैंने डेकोरेट किया है। यस, तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ऑफ करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, और दिवाली अच्छे से मनाइएगा, अभी और दिवाली आने वाली है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।